नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसवान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आइए 2022 अब पूर्णता की ओर जा रहा है। दिसंबर मास के चौथे सप्ताह के अंतर्गत हम लोग भी आ रहे हैं। सने सने सर्दी का आनंद भी ले रहे हैं और शरीर के अंदर भी कई प्रकार के आचार विचार व्यवहार परिवर्तित हो रहे हैं। मित्रों, न्यूमेरिक मास, न्यूमेरिक ईयर जो है 2023 हमारे जस्ट दरवाजे पे खड़ा है और 2022 जो है ये जाने को उतावला है। इन वर्ष के अंतर्गत आप लोगों ने क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, इसके विषय में विचार करना। और ये सप्ताह विशेषतः मैं कहूँगा चिंतन का सप्ताह, जो कमियाँ आप में हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है और जो आपके द्वारा त्रुटियां हुई है उन त्रुटियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके ऊपर विचार जरूर कीजिए। तो आइए मेष राशि के साथ में चलते हैं। ये सप्ताह मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम। मन प्रफुल्लित रहेगा, धन धान्य की वृद्धि रहेगी, नए कार्यों की विचारधारा बनेगी और यात्रा का योग भी बनता है। भ्रमण करने के लिए आप सब परिवार जा सकते हो, बड़ा लाभ रहेगा। वृष राशि वालों के लिए समय बहुत लाभकारी है, ठीक है, मन उचित आनंदित रहेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, कार्य की अधिकता रहेगी। तो इसलिए अपने मन को संयम करके कार्य की ओर अपने मन को लगाइए, सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभकारी है, धन धान्य की परिपूर्णता रहेगी, नए नए विचार बनते चले जाएंगे और इन्हीं विचारधाराओं के साथ में नए नए मित्र भी आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए बहुत लाभकारी समय है, उत्तम है, और थोड़ा सा शरीर के प्रति सचेत रहना पड़ेगा कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि हो सकता है इस समय शरीर कहीं ना कहीं व्यवधान डाल सकता है। तो इसलिए अपने कार्य को शरीर की पौष्टिकता के साथ में और उत्तम भाव के साथ में आप चलें तो लाभ रहेगा। आपने इस सप्ताह करना क्या है, यदि आप करना चाहते हो तो मित्रों भगवान गणेश जी की उपासना कीजिए, गणपति महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। शास्त्र में कहा भी है कि पहले गणपति पूजिए पार्वती पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, रक्षित आप हो जाओगे हर प्रकार से। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, इनके मन की इच्छा अनुसार कार्य होता चला जाएगा, सफलताएं होती चली जाएंगी, मन प्रफुल्लित रहेगा और सिंह राशि वालों के लिए नई विचारधारा बनती चली जाएगी। इस सप्ताह के अंतर्गत आप अपने मित्रों से सहयोगियों से बड़ा लाभ लोगे, आनंदित रहोगे। कन्या राशि वालों के साथ में चलते हैं। कन्या राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, थोड़ा चिंता का विषय बनता है। किसी कष्ट में इस समय आप चल रहे होंगे, वह कष्ट दूर करने के लिए आपको गौ माता की सेवा कीजिए, आपके सारे कष्ट दूर होते चले जाएंगे। तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है, लाभकारी है, उत्तम है और तुला राशि वालों को चाहिए कि रामचरितमानस का पाठ करें, एक चौपाई प्रतिदिन भी पढ़ें तो आपको बड़ी सफलता हो। और मन ही मन में होई सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ा मई साखा, मन ही मन में इस प्रकार के विचार की धारणा के साथ चलोगे तो सफलता आपके चरण चूमे। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, थोड़ा शरीर इनका जो है अवरोध रहेगा और वाहन से भी इनको परेशानी हो सकती है, इसलिए सचेत रहें और इस सप्ताह के अंतर्गत अपने आप को संयमित रखें। करना क्या है आपने, यदि आप करना चाहते हो तो भगवान शंकर जी की आराधना कीजिए, आपकी सफलता आपके चरण चूमेगी, आपके कष्टों का निवारण होता चला जाएगा। धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभकारी है, धन धान्य से परिपूर्ण है, उत्तम रहेगा। मकर राशि वालों के साथ यह समय बहुत अच्छा चल रहा है, धन धान्य की वृद्धि होगी, मन चित्त प्रसन्न रहेगा, परिवार में सुख आनंद रहेगा। मित्रों, इस समय हो सकता है आपको बाहर घूमने फिरने का जो है चांस मिल जाए, यात्रा के योग अच्छे बनते हैं तो आप भ्रमण कीजिए, लाभ लीजिए, प्रफुल्लित मन रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत ठीक है, हर प्रकार से सफलता मिलेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद बनता चला जाएगा।
मीन राशि वालों के लिए समय लाभकारी है, उत्तम है, धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, परिवार में सुख आनंद रहेगा और विचारों के अंदर नई नई चीज़ों की योजनाएं बनती चली जाएंगी। इसलिए इस सप्ताह के अंतर्गत आनंद प्रतिफुलित करें और इस सप्ताह को बड़े आनंद के साथ में मनाएं। सभी राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए मित्रों, क्योंकि यह 2022 जो सन है ये समाप्त हो रहा है और अब एक जनवरी 2023 हमारा इंतजार कर रहा है। तो इस वर्ष की मैंने पहले भी कहा कि अपने जितने भी बुरे विकार हैं उनको दूर करके नई डगर, नई पहचान, नए रास्ते देखते हुए और नए विचारों के साथ आप जो है पदार्पण करें, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। मित्रों वैसे तो हमारा संबत चैत्र मास से शुरू होता है नया वर्ष, लेकिन क्योंकि न्यूमेरिक वर्ष है तो इस वर्ष के अंतर्गत उत्साह के साथ, मन इच्छा के साथ, नई नई योजनाओं के साथ आप अपनी इच्छाओं को आगे बनाइए, पंख लगाइए, बड़ा आनंद प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएँ देता हूँ और आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका आगे आने वाला समय बड़ा लाभकारी रहे, उत्तम रहे। हाँ, एक विचार मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, जो भी आपको अच्छा बुरा जैसा लगता है कृपा करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। ऐसा है आपके, वो कहते हैं ना, फूल या कांटे कैसे भी हों, विचार शुद्ध होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, तभी आनंद की प्रतिभूति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप प्रफुल्लित रहें, आनंदित रहें, नया साल आपके लिए नई नई खुशियां लेकर आए। इन्हीं खुशियों के शब्दों के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।